अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं और अपने अपने घरों में आबाद हैं। तो आज है संडे का दिन, सुबह का वक्त है और टाइम अभी 7 बज चुके हैं। मैंने पूरे घर का झाड़ू लगा दिया है और मैंने पौधों को भी पानी अभी डाल चुकी हूँ। और ये नए फ्लावर्स दो आए हैं येल्लो कलर के रोज़ फ्लावर्स। तो आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, हल्के से अभी धूप आ रही है, अभी तक नहीं आई बस अभी आ रही है। और इसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और नाश्ता बनाने का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, तो उठने के साथ मैं ब्रश करने के बाद डेली एक ग्लास पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर पानी को गर्म कर रही हूँ। तो पानी थोड़ा बहुत हल्का ही गरम करूँगी, फिर उसमें मैं एक स्पून हनी डाल दूँगी और आधा नींबू का जूस भी ऐड कर दूँगी। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके पी लेती हूँ। तो डेली मैं उठने के साथ यही रूटीन रहता है मेरा, इस ये पीकर मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। अभी टाइम 9 बज चुके हैं, सबके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है, बस अभी मेरे लिए डाल रही हूँ। तो आज नाश्ते में मैंने ऑनियन डोसा बनाई हूँ और साथ में फली की चटनी। तो ये है आज का हमारा नाश्ता, ऑनियन डोसा। नाश्ते के बाद मैंने सारे प्लेट्स धो दिए थे बर्तन, और फिर उसके बाद मैं लंच बनाने आ गई हूँ किचन में। तो आज लंच में बन रहा है फ़िश करी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने फ़िश को अच्छी तरह से धो चुकी हूँ और मैं थोड़े बहुत इस अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि सुहाना को करी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो थोड़े बहुत करी बनाऊंगी और थोड़ा बहुत फ़िश का फ्राई कर दूँगी, तो इसलिए मैं अलग से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िश को अच्छी तरह से धो चुकी हूँ और उसमें मैंने थोड़ा बहुत हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हम अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो पहले हमने पीस के रख चुके हैं, उस मसाले को हमने इसमें ऐड कर देना है। तो इस मसाले में मैंने डाला है 2 बड़े प्याज की डल्ली और छोटा खोपरे का टुकड़ा और थोड़ा बहुत धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के मैंने मिक्सी मार दिया है। तो उसी का पेस्ट मैंने इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए फ़िश में मैंने डाल दिया है थोड़ा बहुत नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी हम अच्छी तरह से ऐसे ही मैरिनेट करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर से तो एक आधा चकला नींबू मैंने लिया है, उसका जूस भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी और एक पिंच कलर भी मैं रेड कलर डाल दूँगी, और इसे भी अच्छी तरह से मैरिनेट करके एक 15 मिनट्स के लिए मैं बाजू रख दूँगी। अभी यहाँ पर मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और हल्के से हम अभी सारे फिश अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे
और इसे हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना मैंने ऑनियंस को पहले नहीं काटा है और फ्राई भी नहीं किया है, बस मैं मिक्सी में डाल के मार चुकी हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और मिक्सी में मारे बिना यहाँ पर आप तेल में भी प्याज को फ्राई कर सकते हैं। तो हम मैं वैसे ही बना लेती हूँ और ऐसे भी बना लेती हूँ। तो सारे मैं फ़िश मैंने उसमें डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। और यहाँ पर फ़िश फ्राई के लिए मैंने पैन चढ़ा चुकी हूँ और ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें फ़िश को छोड़ देंगे। सालन में मुझे थोड़ा बहुत लाल मिर्च का कमी लग रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत डाल लिया था और उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है। और इसे भी हम 1-10 मिनट्स ढक के पकाएंगे, फिर उसके बाद हमारा फिश करी बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली एक तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और दूसरी तरफ भी हम पलटा कर फ्राई कर लेंगे, तो उस तरफ भी अच्छी कलर आ जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्लेट में सर्व कर लेना है। अभी टाइम 6:30 बज चुके हैं, बाहर आ चुके हम, और बच्चों के लिए हमें शूज़ देखना है, तो आयान के लिए और सुहाना के लिए डेली वेयर, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आ गए थे बाहर, और अभी हम मार्केट जा रहे हैं।
टाइम अभी 7:30 बज चुके हैं और हम मार्केट से वापस आ रहे हैं। तो बच्चों के लिए हमने शूज़ नहीं लिए क्योंकि जिस जगह हम हमेशा जाते हैं वो शॉप ना बंद है, तो दूसरे और दो जगह मैं देखी थी तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो इसलिए हम फिर और एक बार आएंगे बच्चों के लिए शूज़ लेने। और अभी हम घर वापस नहीं जा रहे हैं और सुहाना को ना घर नहीं जाना है, डिनर घर में नहीं खाना है। तो सुहाना का मन था कि आज ढाबे पर जाके खाएंगे, तो आज मैं फ़िश का सालन बनाई थी। तो सुहाना को ना फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो फ्राई तो थोड़ा बहुत खा लेती है लेकिन दोपहर में वो पेट भर नहीं खाई थी। तो वो सुहाना कह रही थी कि आज ढाबे को ले जाओ तो वहाँ पर हम खाएंगे, तो इसलिए उनके पापा ना ढाबे पर लेके आ गए थे। तो पहले हमारा प्लान नहीं था, बस बाहर आने के बाद चेंज हो गया है और अभी हमारा डिनर यहीं पर होगा। तो हम यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं तो माशाल्लाह यहाँ पर का फूड ना बहुत ही टेस्टी रहता है, तो हम यह इसी ढाबे पर ही खाते हैं हमेशा आए बाहर आए तो। और ये ढाबा ना हमारे घर से बस 20 मिनट्स के दूर पर ही है। तो तब से सुहाना पैदा हुए है, 3 साल से हम सुहाना जब 3 साल के थे ना तब से हम यहीं पर आते हैं, इसी ढाबे पर ही हम खाना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारे हैं आजूक बाजूक, तो वहाँ पर भी हम टेस्ट किए लेकिन इस ढाबे का टेस्ट ना कहीं पर भी नहीं आता है, उतना अच्छा रहता है यहाँ पर का। और यहाँ पर आने के बाद ना सुहाना बहुत ही खुश है क्योंकि सुहाना को ना बिरयानी पुलाव ऐसे इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ना ढाबे का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो बहुत खुश है यहाँ पर आने के बाद। और अयान भी अभी सोकर उठे हैं इसलिए उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हमारा खाना आ चुका है और हमने ऑर्डर किया है पुलके और मेथी चमन और पनीर बटर मसाला हमने ऑर्डर किया है, तो ये खा लेंगे फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। अभी हम घर के पास के सुपरमार्केट में आ चुके हैं और बच्चों को चाहिए था आइसक्रीम तो उसी को लेने के लिए अभी हम आ गए हैं और आइसक्रीम ले जाएंगे फिर घर के लिए चले जाएंगे। बस एक ही आइसक्रीम ही लेना है और कुछ भी नहीं।
अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं और टाइम अभी रात के 10 बज चुके हैं और 2 मिनट में हम घर भी पहुंच जाएंगे। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।